वहीं कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता ने पंचकुला नगर निगम का औचक निरीक्षण किया। मंत्री जी के पहुंचते ही निगम कार्यालय में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि ज्यादातर कर्मचारी ऑफिस से गायब मिले। कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता जो मंत्री बनते ही एक्शन मोड में आ गए हैं। पंचकुला में कमल गुप्ता अचानक नगर निगम कार्यालय का औचक निरीक्षण करने पहुंचे, लेकिन निगम कार्यालय का नजारा देखकर मंत्री जी दंग रह गए। कार्यालय से 80% अधिकारी और कर्मचारी नदारद मिले। निगम में आकर काफी निराशा हुई, हमें बहुत दुख भी है और ये चिंता का भी विषय है। जो एब्सेंटीज हैं वो अभी पूरी गिनती नहीं है, लेकिन 80% लोग एब्सेंट हैं। कैबिनेट मंत्री ने इस दौरान सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त लहजे में निर्देश दिए कि कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो भी अधिकारी या कर्मचारी कोताही बरतता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो एब्सेंट हैं हम उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और जिम्मेवार जो लोग हैं अधिकारी भी उनकी भी जवाब तलबी हम करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने निगम अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि वो हर महीने 8 औचक निरीक्षण करें और जो भी कर्मचारी लापरवाही करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें और पूरी जानकारी उन्हें दी जाए। ये चिंता का भी विषय है, जो एब्सेंटीज हैं वो अभी पूरी गिनती नहीं है, लेकिन 80% लोग एब्सेंट हैं। ये डाटा बाद में आ जाएगा और मैं ये मान के चलता हूँ कि ये हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनकी इनकॉम्पिटेंसी है। जो एब्सेंट हैं हम उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और जिम्मेवार जो लोग हैं अधिकारी भी उनकी भी जवाब तलबी हम करेंगे। पंचकुला नगर निगम में कुल 48 कर्मचारी हैं, जिनमें से 29 कर्मचारी गायब मिले। जिनके खिलाफ मंत्री जी ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं उनका एक दिन का वेतन भी काटा जाएगा। मंत्री जी ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि अब लापरवाही नहीं चलेगी और आगे भी इस तरह के औचक निरीक्षण जारी रहेंगे। अनिल मोर के साथ तारा ठाकुर, पंचकुला, खबरें अभी तक।